सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के बारे में, फ्री फायर के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, और जो भी व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल को आए हो, मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो आप लोग, मैं वीडियो को पहली बार देख रहे हो यार, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं, जो भी पबजी प्लेयर है ना उनके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं लेके आया हूँ। गाइज, अभी पबजी मोबाइल इंडिया में फिर से लॉन्च होने वाला है। गाइज, कुछ महीने पहले इंडिया में कई सारे चाइनीज ऐप बैन हो गए थे, उसमें जब पबजी था। गाइज, पबजी को सेक्शन 69A के तहत बैन किया गया था, और उसको गाइज फिर से एक कंपनी, इसका नाम है क्रैप्टन, साउथ कोरियन कंपनी है, वो कोरियन कंपनी इंडियन कंपनी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के साथ कोलाबरेशन करके इंडिया में ये गेम लॉन्च करने वाला है। बहुत जल्दी ये गेम आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, जैसे कि गाइज गेम का नाम ही है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया, तो गाइज ये गेम ओनली इंडिया के लिए होने वाला है, और जो भी गेम्स में जो भी ड्रेसेस होगा सब इंडियन स्टाइल में होगा, और ये गेम सिर्फ इंडिया में होगा। और गेम की बात करें, इस गेम में नया रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है, और जो भी प्लेयर अंडर 18 है तो गाइस वो गेम सिर्फ 3 घंटे दिन में खेल सकते हैं, और गेम में आप पैसा के खर्च कर सकते हो गाइस 8,000 रुपया दिन में, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते गाइस, यही लिमिट है। तो यही था आज का गेम का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो गाइस, आगे कुछ अपडेट मिला तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फ्री फायर प्लेयर्स हैं, जो भी पबजी प्लेयर्स हैं, आपको न्यूज़ कैसा लगा? और जो भी पबजी प्लेयर्स पबजी बैन होने के बाद फ्री फायर खेलने के आए थे, क्या आप लोग फिर से पबजी में शिफ्ट होने वाले हो? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में देना, जरूर देना गाइस। और जो भी फ्री फायर प्लेयर है, क्या आप ये गेम खेलना चाहोगे? आप भी कमेंट करना, ठीक है? और किसी गेम को हेट नहीं गाइस, सब गेम अपने अपने जगह अच्छा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।